नमस्कार साथियों, नीट एग्जाम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। नीट एग्जाम को लेकर 24 लाख बच्चों, उनके माता पिता और लाखों करोड़ों और देश के बच्चे जो डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी मन की शंकाएं खत्म नहीं हो रही। नीट एग्जाम को लेकर लीपा पोती का मोदी सरकार का खेल, एनटीए का खेल और तामझाम और गड़बड़ झाला लगातार चलता आ रहा है। सवाल ये है कि इसका हल क्या है? सवाल ये है कि मोदी सरकार के पास जवाब क्या है? सवाल ये है कि एनटीए के पास जवाब क्या है? सवाल ये है कि क्या कोर्ट में जाने से मामला हल हो पाया? हमने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने ये कह दिया कि 1563 वो बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और जिसकी वजह से बहादुरगढ़ के एक ही सेंटर से 6 टॉपर बने हैं, उनके ग्रेस मार्क्स वापस लिए जाएंगे और उनका एग्ज़ाम दोबारा करवाया जाएगा। इस पीआईएल से, ग्रेस मार्क्स को लेकर जो पीआईएल हुई, इससे क्या बच्चों को लाभ हुआ या नुकसान? सवाल ये भी है। हमारा ये मानना है कि एनटीए और मोदी सरकार लीपा पोती करके 1563 बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा करवा के नीट के पूरे मामले पर पर्दा डालने की साजिश कर रहा है। 1563 अगर बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा भी हो गया तो क्या उससे मूलभूत नीट पे जो शंकाएं हैं, जो गड़बड़ झाले के इल्ज़ाम हैं, लीपा पोती के इल्ज़ाम हैं, उनका हल निकलेगा? सवाल ये भी है। इल्ज़ाम क्या है? सबसे पहले तो इल्ज़ाम ये है कि नीट में पेपर लीक हुआ या उसकी आशंका है। इसका क्या प्रणाम सबूत है? सबूत है कि पटना के अंदर एक FIR दर्ज हुई और एक अखबार ने ये भी लिखा कि 60 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया 4 मई के एग्ज़ाम से अगले दिन। ये खबर भी आई कि बहुत सारे बच्चों और उनके माता पिता को गिरफ्तार किया गया। आज तक ना धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी ने, ना एनटीए ने, ना इसकी जांच मामले की करवाई, ना इस पूरे मामले को बताया। दूसरी शंका क्या है? 67 टॉपर हैं। ठीक है, अगर आप 1563 बच्चों का एग्ज़ाम करवाएंगे तो बहादुरगढ़ के एक सेंटर के 6 टॉपर हट जाएंगे, 61 टॉपर तो फिर भी हैं। 61 टॉपर कैसे आए जब पिछले सालों में ये टॉपर हुए ही नहीं? अगर आप देखें 2020 में केवल 2 टॉपर थे जिनके 720 में से 720 नंबर आए, 2021 में 3 टॉपर थे, 2022 में जो टॉपर है उसके केवल 715 नंबर आए, 2023 में 2 टॉपर थे और 2024 में 67 टॉपर हैं। तो अगर 6 निकाल भी दें तो 61 टॉपर फिर भी हैं। ये कैसे संभव हुआ? इसका कोई जवाब ना सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, ना लोगों को बताया गया। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मार्क्स वर्सेस रैंक। इतने ज़्यादा नंबर आए हैं कि पूरी रैंक का तरीका गड़बड़ा गया। नीट में लगभग हम सब जानते हैं कि 1 लाख डॉक्टर की पोस्ट है और उसके लिए 24 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। 55,000 पोस्टें वो हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, यानी सस्ती फीस पर नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग, गरीब SC BC का बच्चा डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है सस्ती रियायत पर। उनका क्या होगा जब रैंक्स वर्सेस मार्क्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे? या उसका आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्या हुआ वो बहुत अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है और उसका कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है। अब आप देखिए, अगर किसी बच्चे के 600 नंबर हैं तो 50,000 अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट है तो उसे आराम से दाखिला मिल जाता था। 2022 में जब नीट का एग्ज़ाम हुआ तो 200 नंबर लेने वाले बच्चे जो थे वो 20,517 थे, यानी 50,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट में आराम से नंबर आ जाता था। 2023 में 28,000 ऐसे बच्चे थे, पर 2024 में यानी इस साल 80,468 बच्चों के 600 नंबर आए हैं।
तो अगर 80,468 बच्चों के 600 नंबर आए हैं तो 50,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स पर उन्हें दाखिला कैसे मिलेगा? इस सवाल का जवाब ना धर्मेंद्र प्रधान देते, ना प्रधानमंत्री जी देते, ना एनटीए देता। एक और उदाहरण देखिए, अगर किसी बच्चे के नीट में 650 नंबर आए 720 में से, तो साल 2022 में केवल 4246 ही ऐसे बच्चे थे, यानी बेस्ट कॉलेज के अंदर उन्हें दाखिला 650 नंबर पे मिल जाता। 2023 में 6800 बच्चों के इतने नंबर आए 650। अब 2024 इस साल क्या हुआ, 21,724 बच्चों के 650 नंबर आए। दोस्तों आप बताइए, उन्हें अच्छा कॉलेज, मनपसंद कॉलेज कैसे मिल पाएगा? इसका जवाब ना धर्मेंद्र प्रधान देते, ना एनटीए देता, ना मोदी जी देते, ना बीजेपी देती। 700 नंबर अगर 720 में से कोई बच्चा ले आए तो लोग छलांके लगाते थे। 2022 में केवल 49 बच्चों के नीट में 700 नंबर आए, यानी 50 के भी नहीं आए। 2023 में 294 बच्चों के आए, और इस साल क्या हुआ, 1794 बच्चों के 700 नंबर आए हैं। तो क्या होगा बच्चों का, इतने इतने अगर नंबर आएंगे उनको तो रैंक कभी मिल ही नहीं पाएगी। और देखिए, 710 नंबर इस साल 407 बच्चों के आए हैं, पिछले साल केवल 27 बच्चों के आए थे। 715 नंबर 720 में से सेकंड हाईएस्ट रैंक है। आप अगर देखें इस साल 225 बच्चों के आए हैं। किस प्रकार से ये रैंक वर्सेस मार्क्स का जो अंतर है ये दूर होगा, इसका कोई जवाब नहीं देते। इसलिए सवाल बड़े सीधे तीन थे, पॉसिबल पेपर लीक, उसका कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया। 67 टॉपर, 6 निकाल भी देंगे तो भी 61 टॉपर हैं, उनका क्या होगा? और मार्क्स वर्सेस रैंक, जो हाई लेवल ऑफ मार्क्स आ रहे हैं इससे बच्चों का रैंक खराब हो गया, इसलिए ये 1565 या 1600 बच्चों की बात नहीं, 20,000 जहां नंबर आते थे बच्चों के, नंबर 20,000 बच्चों के आते थे, वहां 80-85,000 बच्चों के आए हुए हैं। तो बच्चों को दाखिला मिलेगा कैसे, सवाल ये है। दोस्तों इशू चार हैं बड़े सीधे, नीट एग्जाम की सेंटिटी यानी विश्वसनीयता, उस पर अपने आप में एक सवाल खड़ा हो गया है। दूसरा, हेरा फेरी के इल्जामात हैं नीट में, पेपर लीक का इल्जाम भी है, नकल और गड़बड़ झाले का इल्जाम भी है, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। तीसरा, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। और चौथा, नीट का टेक्निकल और फोरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं करवाते, उसका भी कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया वो केवल लिपापोती का एक सिस्टम है, उससे नुकसान ज़्यादा हो गया बच्चों का, फायदा कम हुआ। अब मैं एनटीए की क्रेडिबिलिटी के बारे में आपसे एक आखिरी बात और कहता हूँ। अब 67 टॉपर हैं, अगर आप 6 निकाल भी दें तो भी 61 टॉपर रह गए। एम्स दिल्ली में 56 सीट हैं, उनको कैसे मिलेगी? पहली बार 720 में से 720 नंबर लेकर भी आप एम्स दिल्ली में दाखिला नहीं पा सकते। एनटीए अब क्या कहता है कि सीरियल नंबर ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर फैसला करेंगे। कल को आप बोलेंगे मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ इसके आधार पर करूँगा, मेरा कद क्या है इसके आधार पर करूँगा, मेरे 10वीं या 12वीं में नंबर क्या है इसके आधार पर करेंगे। ये कौन सा क्राइटेरिया है टॉपर में से टॉपर चुनने का, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये दिखाता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और एक इल्ज़ाम और भी आ रहा है कि जो हरियाणा के फरीदाबाद में जो लगातार टॉपर मिले एक ही लाइन के अंदर लगभग नज़दीक, उनमें से एक बिटिया तो 12वीं में फेल हो गई। जो 12वीं में फेल हो रहा है वो नीट में 720 में से 720 नंबर कैसे ला रहा है? क्या पेपर लीक हुआ था पटना में? क्या 60 करोड़ रुपए बांटे गए थे? FIR जो दर्ज हुई उनका क्या हुआ? इनमें से किसी बात का जवाब ना मोदी सरकार दे रही, ना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे रहे, ना NTA दे रहे, और ना इसका हल सुप्रीम कोर्ट में निकल रहा। एक ही हल है साथियों, कि नीट की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और उसकी एग्जाम की सेंक्टिटी,
दोबारा साबित करनी पड़ेगी। उसका सीधा हल है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा है, उससे पहले नीट एग्जाम का एक इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक ऑडिट हो, यानी एक एक बात की जांच हो, टेक्निकल ऑडिट हो, और अगर जहां गड़बड़ झाला हुआ, हेरा फेरी हुई, उसकी दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। नीट पर पर्दा डालना सॉल्यूशन नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट इसका हल नहीं निकाल सकता। सरकार में अगर हेरा फेरी नहीं की, अगर एनटीए में हेरा फेरी नहीं है, अगर दुर्भावना नहीं है, अगर आशंकाओं को दूर करना है, तो नीट का ऑडिट करना पड़ेगा, टेक्निकल भी फॉरेंसिक भी, और उसी से हल निकलेगा और इसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तो ये कहा है, पर याद करिए ये सारी बातें 6 जून को सबसे पहले मैंने उठाई थी। आज 6 जून के बाद देख लीजिए, हम 14 जून पर आ गए, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, पर सच्चाई सामने नहीं आ रही। नीट एग्जाम 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल तो है ही। इस देश में जहां बच्चे के सर पर लोन लेकर माँ बाप उसे कोटा और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भर्ती करवा कर माँ बाप वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं, क्योंकि जितनी सीटें चाहिए डॉक्टर की, जेई की, दूसरे एग्जाम की, वो है नहीं। तो ऐसे में ट्रांसपेरेंसी क्यों ना हो, पारदर्शिता क्यों ना हो, जवाबदेही क्यों ना हो, गड़बड़ झाले से परते क्यों ना उठें, आशंकाएं दूर क्यों ना हो, ऑडिट क्यों ना हो, इन बातों का जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि यही राष्ट्रहित है। जय हिंद।